नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर एक सोच यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो हम बात करेंगे इस समय जो चल रही हैं पांच सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप सिलेक्शन लेके एक अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन पांच वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी जो है दोस्तों 2022 में आने वाली जनवरी से लेके अभी फरवरी तक जो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो कृपया लेट ना करें। अगर आपने अभी तक इन भर्तियों का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दें। तो आइए हम बात करते हैं करके लेखपाल की वैकेंसी के बारे में। आपको एक बात मैं बता दूं, जब मैं 12th क्लास में था तब से मैं सुन रहा था कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो लगभग 5-6 साल से सुन रहा था। तो अब जाके सरकार ने डिसाइड किया था कि पैट कराएंगे, उसके बाद लेखपाल की भर्ती हम कराएंगे। तो पैट करा दिया, सब कुछ करा दिया, तो लेखपाल की भर्ती आ गई दोस्तों। इसमें जो आपके टोटल पद हैं वो है 8085 पद, और इसके लिए क्या क्या मांगा है, तो आपकी पैट होनी चाहिए और 10+2 होना चाहिए, और तैयारी को आप अपनी धार देते रहें, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। और नौकरी कैसी है ये तो आपको पता है कि घर पर रहोगे और रातों की नींद हराम नहीं करनी पड़ेगी, नंबर 1 वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं CISF की जो है वो फायर सर्विस में भी वैकेंसी आई है, तो ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जैसा कि आपको पता है कि CISF जो है वो केंद्र की नौकरी है, तो इसमें आपके 1149 पद आए हैं और इसमें भी दोस्तों 10+2 यानी कि 12th मांगी है। तो इसका अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर दें, इसकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है और CISF आपको पता है कितनी अच्छी पोस्ट होती है। तो उसके बाद एक और वैकेंसी है जो BSF में है और इसके 2788 पद हैं और इसमें ओनली 10th मांगी है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए भी और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और आपको पता है कि ये भी केंद्र सरकार की नौकरी है, तो काफ़ी ज़्यादा पद हैं, लेकिन 2788 पद बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस के बारे में। तो यूपी पुलिस की दोस्तों यहाँ पे कुछ पद हैं, जैसे कि देखो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर है, ये हेड ऑपरेटर वैकेंसी, इसमें 936 वैकेंसी आई हैं और इसमें आपको मांगा है 3 ईयर का डिप्लोमा। अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। कॉन्स्टेबल से ऊपर वैकेंसी, आपको वर्दी भी मिलेगी पहनने के लिए, ऑफिस वर्क रहेगा और ज़्यादा कोई वर्क नहीं होता आपको जैसा कि पता है। और उसके बाद एक और इसी में भर्ती है यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, ये असिस्टेंट ऑपरेटर की है, तो इसमें आपके 1374 पद हैं और इसमें 10+2 यानी 12th, और ये फिजिक्स होना चाहिए 12th में और यहाँ पे मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हुई हैं तो ये आप ले सकते हैं, अगर आपके पास जैसे बायोलॉजी वगैरह हुआ तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद एक और वैकेंसी है यूपी पुलिस ऑपरेटर वर्कशॉप की है, ये 120 पद हैं और 10th और ITI इसमें होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सी वैकेंसी अच्छी है उसमें आप फॉर्म भर दीजिए। देखिए सबसे अच्छी वैकेंसी लेखपाल, और इसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है दोस्तों, कोई भी ये नहीं कि नहीं भर सकता, ठीक है। और CISF ये भी अच्छी है, BSF ये भी अच्छी है, और उसके बाद इनमें थोड़ा सा पंगा हो रहा है आपके साथ, क्यों किसी के पास 3 ईयर का डिप्लोमा नहीं है, हर कोई नहीं भर सकता ये वैकेंसी फॉर्म, और ये 10+2 और PC ये नहीं हर किसी के पास, फिजिक्स और मैथ नहीं हर किसी के पास, लेकिन इसमें भर सकता है, लेकिन ITI हर किसी के पास जरूरी नहीं है, तो इसमें थोड़ा पंगा है। बाकी की ये जो आपकी 3 जो वैकेंसी हैं ये बिल्कुल फेयर हैं, आप इन्हें फॉर्म भरिए और एक अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा देने जाइए और आप अपने परिवार की गरीबी को दूर करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द हमें देखने के लिए मिलेगी, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और धैर्य के साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि इंतज़ार करना अच्छी बात है लेकिन तैयारी बनाए रखना, इंतज़ार करो लेकिन तैयारी तो रखो, क्योंकि अगर अचानक वैकेंसी आएगी तो आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कैसा एग्ज़ाम होगा ये आपको भी पता है। तो तैयारी बनाएं, अपना मन विचलित ना होने दें और आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा किसी न किसी वैकेंसी में। हाँ, लेकिन टारगेट बना के चलें कि हमें इतने दिनों में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही जरूरी जानकारी लाता रहता हूं, जो कि कोशिश करता हूं कि बहुत छोटी से छोटी वीडियो में बता दूं, बड़ी वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतना किसी भी विद्यार्थी किसी भी मेरे भाई के पास टाइम नहीं है कि वो बड़ी वीडियो देख सके, कि 5 मिनट की जानकारी 45 मिनट में दे रहे हैं फालतू का चिल्ला चिल्ला के, तो ऐसा हर किसी का संभव नहीं है कि वो 45 मिनट की वीडियो दे सके। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि छोटी सी वीडियो में सब जानकारी आपको दे दी जाए।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी सी वीडियो बना के आपको सारी जानकारी दे दी जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी वैकेंसी है उसके बारे में हर किसी दोस्त को पता चल सके। और अगर आप अपना ऐसे सपोर्ट देते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए भास्कर 100 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।